आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन है कि हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट है और डायमंड है। तो अगर हम ग्रेफाइट की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्बन है, ठीक, ये इस तरह से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। फिर ये फर्दर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्दर कार्बन के साथ, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है, एक आपका मतलब कंटिन्यूस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो इस तरह से बनाते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फर्दर आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है, सॉरी दो नहीं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लोग इस तरह से फर्दर, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक निकाला, ये इस तरह से एक निकाला, ठीक है, यहाँ पे कार्बन बने, यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से बढ़ा, है ना, यहाँ पे फिर ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, ये फर्दर हमारा इस तरह से हेक्सागोनल एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना के घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और एक के पास एक करके फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिससे ये अपने ऊपर और नीचे लेयर के थ्रू यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स करता है, ठीक है। अच्छा, और हमारा फिर एक डायमंड होता है ना, तो डायमंड जो है वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से जॉइंट है, ठीक। तो इस तरह से ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है 3D में, ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, sp3 का, ये ज्यादा होता है हमारा बॉन्ड लेंथ ऑफ हमारा sp2 का, ठीक है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन क्या बोला है कि ग्रेफाइट ग्रेटर देन डायमंड बॉन्ड लेंथ, तो ये तो गलत है, हमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पूछा है ग्रेफाइट लेस देन डायमंड, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम देखें, तो हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से हमारा जो डायमंड होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, ठीक है। हमारा जो डायमंड होता है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो डायमंड होता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर में हमारा थर्मल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करूँ, तो हीट जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है, क्योंकि सबके सब बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे हीट ट्रांसफर उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है ग्रेफाइट ग्रेटर देन डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, हर एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंडक्टर होता है, ये हमारा एक कंडक्टर होता है, ठीक है, और कंडक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक। फिर यहाँ बोला ग्रेफाइट ग्रेटर देन डायमंड रिएक्टिविटी। अब देखिए, क्योंकि हमारा डायमंड जो है ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, तो ये वेरी स्टेबल होता है, ठीक है, और इसका जो रिएक्टिविटी होता है ये वेरी लेस होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये नॉट दैट स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल उतना नहीं होता है, ठीक है, और ये रिएक्टिविटी इसका कंपैरेटिवली हायर होता है, ठीक है, तो हायर कंडक्ट आपका कंपैरेटिवली हायर होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे ये रिएक्टिविटी ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।